Matt Starr, Rajneesh Kumar. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ स्टार में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट मिलते रहे सबसे पहले। तो चलिए हम आज क्लास जो है स्टार्ट करते हैं एज का, जो कि आप जो है पहले वाला वीडियो देख लिए होंगे और आपको आसानी से समझ में आता होगा कि हम किस तरह से काम करते हैं। तो यदि आपको समझ में नहीं आता हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम समझाने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक बने रहिए और ना टाइम कमाते हुए हम क्वेश्चन लगाते हैं और आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखता होगा और इसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आप जो है वीडियो रोकने से रोक के उसको बनाइए, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे मिलता होगा। और जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां टेलीग्राम में डाल देते हैं कि वीडियो भी वहां पर वीडियो भी मिलेगा, उसके बाद आपको पीडीएफ भी मिल सकता है। तो पीडीएफ भी आप वहां से जाकर देखिएगा पीडीएफ क्या चीज का है, पीडीएफ आप मिल जाएगा। वैसे भी आप बुक पढ़ते होंगे तो ऋचा अग्रवाल से हम पढ़ाते हैं, ऋचा अग्रवाल का हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक क्वेश्चन ऋचा अग्रवाल से बाहर नहीं है। तो आपको ऋचा अग्रवाल का पूरा क्वेश्चन ऑल टाइप का मिल जाएगा। तो आपको पीडीएफ लेना या ना लेना कोई बात ही नहीं है, आप वीडियो देखिएगा उसमें क्वेश्चन भी रहेगा, उसके बाद आपका सोल्यूशन भी किया जाता है, सो आप देखते करते हैं। तो चलिए हम लगाते हैं क्वेश्चन और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैं ले लगा अब जो है वीडियो को हम लगा दिए। तो चलिए हम 22 नंबर का क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे कि आप देखें कि 21 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है, तो आज हम सीखने वाले हैं 22 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। 22 नंबर से स्टार्ट करते हैं। कहा गया है 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, अब ए बी और सी की औसत आयु 24 वर्ष है। 8 वर्ष पश्चात सी की वर्तमान आयु, सी की आयु क्या होगी? तो देखिए करना कुछ नहीं है, जैसे बोले वैसे कर देना है। क्या कहा गया है आप औसत नहीं पढ़े हैं तो औसत भी पढ़ाएंगे, ये बात आपको बता दे रहे हैं। औसत पढ़ाएंगे वहां से समझ में आ जाएगा। औसत मतलब होता है हर एक आदमी का जो है सेम होना चाहिए बराबर। तो देखिए कहा गया है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले कर देते हैं कोई बात नहीं, दूध बंदा है ना। तो देखिए यहां लिख लीजिए आराम से 4 वर्ष पहले, ठीक है ना, ये लिखने का जरूरत नहीं है पर ये मन में ही रखना चाहिए। बाकी चलिए हम क्या करते हैं मन मन कर लेते हैं इसको। हम तो लिख दिए ए और बी है, औसत मतलब क्या करते हैं ए और बी का, ए प्लस बी बराबर कितना का 18 का, यही तो दिया गया है। इसको क्या कीजिए 2 से गुना कर दीजिए, इसका निकल के आ जाएगा कितना 36, ठीक है। उसके बाद कहा गया है जो है ए दूसरा ए प्लस बी प्लस सी, इसका औसत दिया गया है 24, कितना बनता है भाई से 3 को बनता है, 3 बनता है, इसको 3 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना निकल जाएगा 72। बोलेगा क्वेश्चन सॉल्व है, तो हाँ भाई क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कैसे, अब देखिए यहां जो है 3 को दिया गया है, 3 को का औसत कितना दिया गया है 72 दिया गया है, और यहाँ 2 का जो है 18 दिया गया था, 18 गुणा 2 कर दिया निकल के आ गया 36, इसका जो यहाँ योग निकल के चले आया। तो कितना वर्ष, तो 4 वर्ष पहले का था भाई साहब, तो 4 वर्ष पहले और अभी आया, तो 4 वर्ष प्लस करेंगे तब तो वर्तमान में आए, 4 वर्ष पहले था, 4 वर्ष पहले का ना था 18 वर्ष, तो अभी 4 वर्ष पहले था तो 4 वर्ष अभी आइएगा तो वर्तमान में आ गए, तो कितना बनता है 2 बनता है। तो यदि 4 साल आप आए और 4 साल पहले तो आपका भाई भी था, दोनों सेम ही था, दोनों का क्या होता है दो भाई का बीच का अंतर तो समान रहेगा। यदि आप 10 वर्ष के हैं आपका भाई 8 वर्ष का है तो दोनों का अंतर कितना है तो 2 वर्ष, या आप 20 साल का हो जाइए वो 18 साल का हो जाएगा, या तो आप 50 साल का हो जाइए आपसे 2 वर्ष कम का ही रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा। तो यदि 4 साल आप बढ़ रहे हैं तो 4 साल आपका भाई भी बढ़ रहा है ना, तो कितना बढ़ रहा है 4 वर्ष दो व्यक्ति बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा 8 वर्ष, इसमें क्या करते हैं 8 प्लस कर दीजिएगा, कितना निकल के आ जाएगा तो 44 निकल के आ गया, आया नहीं आया। तो देखिए ये ए और बी, ये ए और बी का है, यहाँ ए बी और सी तीनों है, तो पूछा गया है सी की वर्तमान, तो 24 वर्ष है तो 8 वर्ष पश्चात सी की वर्तमान आयु क्या हो, किसका पूछा गया भाई सी का। तो देखिए यहां से ए बी है और यहाँ ए बी और सी भी है,
यदि हम बोले कि 72 में से 44 यदि हम घटा लें तो सी का वैल्यू निकल जाएगा। भाई यहाँ पे दो बंदा है, यहाँ पे तीन बंदा है, दो बंदा सेम सेम है तो उसको निकाल लेंगे तो तीसरा बंदा का निकलेगा या नहीं निकलेगा, आसानी से निकल जाएगा। तो 72 में से यदि इसको घटाइएगा तो कितना निकल के आएगा, तो ये आपका 28 निकल के आ जा रहा है। क्या ये 28 सही है क्या? तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन में आपको 28 भी देखने को मिलता होगा और देखने को बी ऑप्शन में 28 मिल रहा है, कितना तो रहेगा अंधा तो 28 नहीं बात हो, पर ये गलत है। वहां देखिए क्या कहा, 8 साल 55, तो 8 साल इसमें क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, कितना का हो जाएगा 36 वर्ष। 72 में से ये 44 घटा लिए, कितना ये सी का वैल्यू निकल के आ गया, निकल के आया या नहीं आया, बस इतना ही है सर। ये सब झमेला कुछ करना ही नहीं था, 4 वर्ष तो डायरेक्ट करते इसको, ए और बी का दिया गया 18 गुना 2 करते तो 36, ए और बी प्लस सी का दिया गया है 24 तो इसका गुना करते 3 से कितना निकल के आ जाता 72, आता या नहीं आता। तो ये जो है ये 3 को से 2 को घटा लेते सी का वैल्यू निकल के आ जाता, सी में 18 वर्ष 55 8 वर्ष जोड़ देती है, 8 वर्ष जोड़ दिए निकल के कितना आ गया 36 वर्ष। समझ में आ गया, इसको हटा दे। चलिए इसी तरह का सर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, तो चलिए देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक परिवार में 3 भाई है, किसी समय पर इनमें से 2 की आयु का योग 4 वर्ष 6 वर्ष और 8 वर्ष है, सबसे बड़े और सबसे छोटे की आयु का अंतर क्या होगा ये बताइए। किसका किसका 3 को भाई मान लेते हैं भाई सर, 3 को भाई, ए दूसरा बी तीसरा सी, कितना इसका अनुपात दिया है 4, 6, 8 यही तो हम बताया या ना बताया। इसमें बोला 2 की आयु का योग 4 वर्ष है, उसके बाद 6 उसके बाद 8, तो ए बी मान लेते हैं, ए और बी कितना का तो 4 का, दूसरा क्या मान लेते हैं बी सी मान लेते हैं, बी प्लस सी कितना का तो 6 का, उसके बाद क्या आ जाता है ए और सी आ जाता है कितना तो 8 वर्ष। यहां तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अब देखिए यहां से आसानी तरीका से किस तरीका से निकालेंगे सो देखते रहिए कैसे। तो यहां देखिए एक तो ए यहां, दूसरा भी ए यहां, ये बड़ी ले लीजिए, एक ए यहां ए भी ए यहां, दो गो ए दो गो बी, एक यहां एक यहां दो गो, अब दो गो सी यू है, अब तो यहां से इसको क्या करते हैं दो दो को दिया गया ना तो 2 बाहर कर लेते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं इसको 2a 2b 2c लिख सकते हैं ना, इसे 2c लिख सकते हैं, इसको सी, हाँ ये सी है 2c, इसी सबको यदि हम बाहर कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन निकल के चलाएगा ना, हम यहां क्या करते हैं कॉमन ले लें, कितना ले लें 2, तो क्या बच गया ए प्लस बी प्लस सी, इस दोनों को जोड़िए कितना निकल के आ जा रहा है तो 18 बराबर कितना 18, इसको कटा दीजिए कितना निकल आ गया 9, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना निकल आ गया 18, तो ये 3 का 18 है। अब यहां से इसका सब तो पूछा गया है किसका छोटे और बड़े की, सबसे बड़े और सबसे छोटे की आयु का अंतर, तो देखिए यहां से तो कोई कितना करेगा क्या यही से टिक कर देगा, यहां क्वेश्चन में देखा ओ बड़ा तो सी है लगा दो, छोटा कौन है इसका अंतर, तो ये भाई ऐसा नहीं होता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा है कि क्वेश्चन को एक बार देखिए समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो यहां तक आ जाएंगे तो यहां वैल्यू क्या निकल आया ए प्लस बी प्लस सी का बराबर कितना 9, अब देख लीजिए यही 9 का वैल्यू ना यदि हम बोले क्या ए बी का यदि वैल्यू निकाल लें तो सी का वैल्यू निकल के आएगा या नहीं आएगा, पिछला क्वेश्चन ऐसा हो गया है, तो हम देखिए ए और बी का वैल्यू, ए और बी का वैल्यू कितना है 4,
ए और बी के वैल्यू में देखा कितना 4 लिख लें। देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 9, ए और बी का वैल्यू कितना दिया गया है 4, यहां 4 लिख देते हैं प्लस सी, यहां कितना 9, तो सी इधर आ जाएगा, ये प्लस में आएगा जाके माइनस में, 9 में से 4 गया कितना आ जाएगा 5, आया या नहीं आया। तो यहां इतना नहीं करना है, डायरेक्ट करना है क्या, ए बी प्लस सी है तो यहां देखेंगे 9 है, 9 में से 4 गया कितना, सी बराबर 5। अब देखिए उसी तरह डायरेक्ट ए बराबर क्या निकल जाएगा, देखिए ए बराबर का मतलब हुआ कि अब बी और सी यदि निकालिएगा तो ए का वैल्यू बचेगा, तो देखिए बी और सी का वैल्यू देखिए, तो बी और सी का वैल्यू कितना है 6 घट जाएगा किसमें से 9 में से, कितना बच जाएगा 3, ए का वैल्यू 3 निकल के आ जाएगा, बचा किसका तो बी का। अब बी का वैल्यू क्या घटाएंगे, जो बी का वैल्यू निकलेगा ए और सी घटाना पड़ेगा, ए सी घटा लेंगे तो 9 में से घटाएंगे तो बच जाएगा ना, तो ए और सी देखिए ए यहां पे है सी यहां पे है, ए और सी कितना है 8, तो इसमें से 8 घटा लीजिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा ए, तो आपको पूछा गया है दोनों का अंतर, तो देखिए ये आ गया 5, बड़ा कौन है तो सी बड़ा है, छोटा कौन है बी, तो बी ये हो जाएगा सी माइनस बी बराबर कितना का 4, यहां से डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए बराबर 4। समय को बचाना है, एक एक सेकंड यदि आप 100 क्वेश्चन है यदि एक हक सेकंड बचाए तो आप कितना सेकंड बचा लिए 100 सेकंड बचा लिए, मतलब आप जो कितना मिनट बचाए इसमें मिनट से कर लीजिएगा आपको आसानी से निकल के चलाएगा, आप उतना क्वेश्चन जी के जस्ट का अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये बात आपको आ गया होगा, आया या नहीं आया, क्वेश्चन को आगे ले जाएं, बड़े क्वेश्चन की ओर, चलिए इसको हटाते हैं। तो देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है तो देखिए एक बार, बहुत आसान तरीका से यह समझ में आ जाएगा। कहा गया है 5 वर्ष पहले सीमा तथा टीमा की आयु का औसत 17 वर्ष था, अब से 5 वर्ष पश्चात की 5 वर्ष पश्चात सीमा तथा टीमा की आयु का अनुपात 8:5 होगा, सीमा की वर्तमान आयु कितना है। भाई साहब क्या ये भारी बुझा रहा है आपको, आसान है या नहीं है, अब बोलेगा कैसे आसान है, तो कोई बात नहीं, देखिए आसान कैसे है सो हम बताते हैं। 5 वर्ष पहले ये लिखना नहीं है, आपको लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए हम यहां लिख रहे हैं, ये लिखने का कोई जरूरत नहीं था। देखिए कैसे नहीं, सीमा और टीमा की आयु का औसत कितना है तो 17 वर्ष, तो देखिए सीमा प्लस टीमा, टीबी है ना टीआर, चलिए टीआर, तो कितना लिया गया है 17, औसत पूछा गया है ना, एक आदमी है 17 वर्ष का, दो गो आदमी देख रहे हैं, किसको क्या करो, या तो 17 को दो बार जोड़ दीजिए या 17 को दो बार गुना कर दीजिए, कितना निकले 17 × 2 करेंगे कितना का 34 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कब था भाई ये 5 वर्ष पहले का था भाई, आपको हम समझा चुके पहले ये एक क्वेश्चन पहले कि जब 5 वर्ष पहले रहेगा वर्तमान आने के लिए हम क्या करेंगे, आप जब वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा आपको पता चलेगा, कुछ सीखने के मिलेगा क्या हो रहा है, तो यहाँ ये क्या 5 वर्ष पहले था इतना 34 वर्ष का, दोनों मिल के 34 वर्ष, अभी कितना 5 दोनों बढ़ा है, दोनों मिला के कितना बढ़ा तो 10, इसको प्लस 10 कर दीजिए कितना क्या करेगा तो 44 निकल के आया, आया या नहीं आया, तो उसके बाद देखिए क्या कह रहा है फिर से, तो कहा गया है अब से 5 वर्ष पश्चात की सीमा तथा टीमा की आयु का अनुपात 8:5 होगा, तो देखिए कब होगा भाई पश्चात, तो देखिए सीमा प्लस टीमा यही ना कहा गया है, तो इसका क्या कीजिए, इसको इस तरीका से ना लिख के इसको उल्टा पुल्टा लिखते हैं, कैसे उल्टा पुल्टा लिखते हैं, उसको बटा लिखते हैं, अनुपात में लिखते हैं, ये हो गया सीमा, ये हो गया टीमा, हो गया ना, अब 5 साल पश्चात मतलब 5 साल इसको प्लस हो गया, कितना हो गया
आठ और पांच का, आठ यहां पांच यहां, गुणा करने के लिए आपको बता चुके हैं कैसे। तो देखिए इसको गुणा कीजिएगा, इसमें ये पांच है भाई सर, इसको गुणा कीजिएगा पांच एस, उसके बाद इसको कीजिएगा तो चालीस, इसको कीजिएगा ये बराबर हो गया भाई, इसको कीजिएगा ये आठ टी, और इसको कीजिएगा आठ पांच चालीस, ये हो जाएगा पच्चीस, सॉरी ये पांच गुना पांच कीजिएगा तो ये पच्चीस और ये आठ पांच चालीस प्लस चालीस। तो देखिए ये जाति को अलग बचपन में सीखे होंगे टीचर लोग पढ़ाए होंगे आपको कि एक जात के अलग जात पर वहां पढ़ते होंगे, एक जात को अलग कर लो तो काम क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। यहां पर भी हम क्या करते हैं, एक जात तो नहीं दिख रहा है, दो जात दिख रहा है, एस और टी दिख रहा है, दोनों को एक बगल कर लेते हैं, इसको एक मोहल्ला मिला लेते हैं पांच एस, इधर आएंगे ये माइनस आठ टी, बहुत आराम से ये पच्चीस और चालीस, ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो चालीस में से पच्चीस जाएगा कितना बन जाएगा वैसा पंद्रह का, ठीक है। ये तो समीकरण यहां देख लिए, ये तो एस प्लस टी बराबर कितना का चौवालीस का, ये तो समीकरण एक हो गया था, ये समीकरण क्या दो, और आपको पता है समीकरण सॉल्व करना आपको आता ही है किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो एस प्लस टी बराबर चौवालीस, उसके बाद देखिए फाइव एस माइनस टी बराबर कितना पंद्रह का, ये आरटी है, यहाँ आरटी लगा देंगे। अब आपको आसानी से करना आता होगा कि जब नहीं कटता है तो उसको हम बराबर करते हैं, कितना से बराबर कर दें कि निकल के आ जाएगा। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन किसको किसके बारे में पूछा गया है, तो बोला गया है सीमी के बारे में, भाई साहब सीमी के बारे में पूछा गया है, तो सीमी को हम रख लेते हैं और टीवी को हम कहते हैं टिया बोला गया ना, टिया को हम कटा देते हैं। तो कैसे, तो देखिए इसको आठ से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको एक से कर दीजिए, एक से करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई साहब, कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट गुणा कीजिए, यहां से नीचा नहीं लिखना है, स्टेप को बचाना है, इसको कीजिए आठ से कीजिएगा आठ हो जाएगा आठ एस, फिर इसको कीजिएगा आठ टी हो जाएगा, इसको डायरेक्ट कीजिएगा आठ चौका बत्तीस, बत्तीस के दो हम रहा तीन, आठ चौका बत्तीस तीन पैंतीस तीन सौ बावन, इसको हटाइए यहां से और यहां पे इसको तीन सौ बावन दे दीजिए, हो गया ना। अब किसको कटाना है, बचाना किसको है, सीमा सीमी को बचाना है, तीनी को कटा, इसको कटा दीजिए कोई झंझट झंझट बचा ही नहीं, इसको कीजिएगा ये कितना निकल के आ जाएगा आठ तेरह एस बराबर, इसको जोड़िएगा तो ये निकल जाएगा सात, ये हो जाएगा छ और ये हो जाएगा तीन, ये तेरह में से ये तिरसठ कितना है तीन सौ सड़सठ में से तेरह से भगा दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा। देखिए जब इसको आप कटाइएगा तो एस बराबर निकल के आ जाएगा अट्ठाईस पॉइंट दो एक के आसपास आएगा, दो एक आएगा या दो तीन आएगा, दो तीन ही आएगा इसका आंसर, तो ये अप्रोक्स में दिया गया है अट्ठाईस वर्ष ठीक है। थोड़ा सा कीजिएगा और समय आपको नहीं लगेगा, बहुत आसान से निकल गया, और जो है एक से पच्चीस तक आपको स्क्वायर याद और एक से बीस तक कम से कम क्यू याद रखना पड़ेगा, इसी इसके बाद ही आपका आसान हो जाएगा मैथ। मैथ कुछ नहीं है, मैथ है जोड़ घटा गुणा भाग, और हिंदी आपको सही से पढ़ने के लिए आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है 25 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है अब से 6 वर्ष बाद मोनू तथा नीनू की उस समय की आयु का औसत 29 वर्ष होगा, 5 वर्ष पहले मोनू तथा नीनू की आयु का क्रमशः अनुपात 11 और 7 था, तो नीनू की वर्तमान आयु कितनी आ गया समय में, किस कैसे कैसे बताया, तो सो देख लीजिए और कर लीजिए। कहा बोला गया 6 साल बाद, 6 वर्ष ऐसे कितने वर्ष
हाँ 6 वर्ष 12 उसका हो जाता है मोनू तथा मीनू, मीनू प्लस मीनू को एंड से लिख देते हैं। उसकी आयु का औसत जो है 29 दिया गया है, दोनों मिलकर कितना, एगो का 29 दोनों मिलकर कितना, तो 2 से मल्टीपल है, 9 दुनी 18 एक 4 5 58 का कितना, ये 6 वर्ष बाद का वर्तमान में कितना होगा भाई साहब, इसको बोलिएगा कि हम 12 वर्ष यदि हम घटा लेते हैं तो मेरा काम आसानी से निकल के चला है, 12 वर्ष इसको घटाएंगे ठीक ना, तो 12 वर्ष एम प्लस एन, इसमें से क्या बाद का दिया गया है ना, पहले देता था तो जोड़ते थे, और पहले देता था तो जोड़ते थे, अब बाद का दिया गया हमको वर्तमान में ही आना है, तो मेहनत करेंगे ना, कितना वर्ष 6 वर्ष, एक वर्ष आगे एक आदमी 6 वर्ष, दो आदमी कितना 12 वर्ष, माइनस कर दीजिए 12 से कितना निकल के आ जाएगा, ये 6 और ये 4 46 वर्ष निकल के आया। उसके बाद ये क्या कार्य कर रहा है, 5 वर्ष पहले मोनू की वर्तमान आयु तथा मीनू की वर्तमान आयु के अनुपात 7 और 11 और 7 होता है, तो उनकी मीनू की वर्तमान आयु कितनी है, कोई बात नहीं भाई साहब, और देखिए आसान तरीका यहां से बता दिया, एम प्लस कितना, एम और एन का माइनस कर लीजिए यहां से, एम और इसको माइनस करिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, देखिए ये दिया गया है 11 और ये दिया गया 7। अब बोलेगा माइनस कैसे कर दिए, माइनस करने का भी एक रीजन था, क्या रीजन है, तो यहां से हम एक निकाल ले रहे हैं तो मेरा क्या निकलता है, तो नीनू का वर्तमान आयु ये एन है भाई साहब, यहां से इसको माइनस कर दिए तो इसको माइनस करने में कितना निकल गया है, तो 4 वर्ष, किसके बराबर, तो नीनू का पूछा गया, नीनू को करेंगे 7 से गुणा, कितना निकल गया 28, आगे 28 वर्ष। अब पूछा गया है नीनू का, तो इसमें से इसको घटा लीजिए, जब घटाइएगा तो ये निकल के आ जाएगा 19 वर्ष, समझ में आया या नहीं आया, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, यदि बोलता इसका तो इसको गुणा की करते 11 से, मीनू का बोलता तो ये नीनू का बोला तो 7 से की, नीनू का कितना है अनुपात 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई, मीनू का बोलता तो 11 से मल्टीप्लाई करते तब जाके घटाते तो जाके सब निकल जाता, समझ में आया या नहीं आया, चलिए इसको हटाते, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आया, 25 नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, 24 नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ये नंबर का क्वेश्चन नहीं समझे, ये नंबर का क्वेश्चन का आंसर फिर से बताइए, फिर उसको वीडियो में क्या कहेंगे रिपीट करेंगे, नहीं होगा रिपीट, उसको जब फिर से समझाएंगे दूसरा वीडियो बनाएंगे उसके लिए, जितना डॉट वाला क्वेश्चन है वो डॉट वाला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उसका अलग से वीडियो बना देंगे ठीक है, ये 25 के लिए हुआ या नहीं हुआ, तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत जो है 26 नंबर का क्वेश्चन लेकिन बहुत खतरनाक क्वेश्चन देखने को लगता होगा, समझ से बाहर है क्वेश्चन भाई, हमको भी ये ना आता, पर ये जो है आप लोग बनाइएगा कैसे, अभी आप बताते हैं कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, सब हम सिखाएंगे इस वीडियो के अंदर, कैसे कहा गया है वार पी की आयु का अनुपात 3:5 है तथा एक्स वाई से 5 वर्ष बड़ा है, एक्स की आयु क्यू की क्यू की आधी है और पी तथा क्यू की आयु का योग 40 वर्ष है, अब वाई की वर्तमान आयु क्या है, देखिए क्वेश्चन खतरनाक है, पढ़ने के बाद वह सुलझ जाता है, बढ़िया स्लो से पढ़िए, कैसे पढ़े वैसे जैसे दिया गया है उसी तरह से लिख लेना है, पहले क्या दिया गया, वाई दिया गया है, पी दिया गया है, पूछा कि अनुपात कितना दिया है 3 का और ये दिया गया 5 का,
और हम आपको पहले बता चुके हैं अनुपात में दिया हो, सबसे पहले उसमें हम x लगाते हैं, x लगा देते हैं, तो चलिए x लगा देते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कहा गया है तथा x y से 5 वर्ष बड़ा है, x y से 5 वर्ष बड़ा है, x न है ना, एस लिख लेंगे, किससे बड़ा है तो y से, कितना वर्ष तो 5 वर्ष, 3x + 5 कर लिए ना। उसके बाद क्या बोला गया, तो देखिए बोला गया है x f की आयु q की आधी है, किसका, x का, लिख लेते हैं x, इधर दिखाई देगा, x का q का आधी है, x q का आधी है, q का आधी, q बटा 2 कर देंगे, आधा हो गया। अरे भाई पूरा रुपया एक है, इसको करना है आधा, तो 2 से भागा तब ना हो गया 0.5, 50 पैसा, यही तो होता है, तो कर दिए। अब यहां से क्या बोलेगा, समस्या सॉल्व हुआ, अब ना होगा भाई, ये क्यू को पहले तोड़ने के लिए सीखिए, कैसे तोड़ते हैं, सो देखिए क्यू बटा 2, इसको क्यू को इधर लाइए, ये क्या निकलता है 2x, निकल के आया या नहीं आया, आ गया। अब क्या करते हैं, ये निकल के जब चले आया भाई, तो अब क्या करना चाहिए, तो अब इसको हम करते हैं सल्यूशन, कैसे करेंगे, सो देखिए, तो बोलता है आगे q की आधी है और p q की आयु का योग 40 वर्ष है, एक पॉइंट और बन रहा है, p प्लस q कितना है 40 वर्ष है या नहीं है, तो आप चलिए क्या करते हैं, और देखिए यहां से सबसे पहले x का वैल्यू दिया गया है, ये तो समीकरण है, और यहां देखिए क्या दिया गया है, q के बराबर दिया गया है, उसका वैल्यू दिया गया है 2x, लिख सकते हैं ना 2 गुना x का वैल्यू कितना दिया गया 3x + 5, इसको जब सॉल्व करेंगे गुना ही करना है तो गुना करते हैं, ये 6x प्लस कितना 10 का, ये कि किसके बराबर आ गया, ये q के बराबर है, ये q के मान आ गया, ठीक है, आया या नहीं आया, आ गया होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, ये इसका मान यहां बैठा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा p का वैल्यू कितना है 5x और q का वैल्यू कितना निकल के आया है 6x + 10, ये कितना का बराबर, कितना का 40 का, और देखिए 6 5 11x जो है बराबर, ये 10 भाग से जाएगा कितना 30 का, x बराबर कितना 30/11 आया ना। अब क्या पूछा गया, y की वर्तमान आयु पूछा गया है, ये क्या चीज का है, वर्तमान का ही है ना भाई साहब, तो ये जो है 3x क्या है 3x, x का वैल्यू कितना 30/11, ये x को हटा दें, हट गया, गुना कितना 11/30/11 मतलब 90/11, तो 90/11 इसको अब क्या करना है, आपको भागा देना है, आपको निकल के आ जाएगा अप्रोक्स में निकल के आएगा 8 वर्ष, ठीक है, निकल जाएगा 8 वर्ष, समझ में आया या नहीं आया, देखिए हम आठ जाते हैं, स्क्रीन शॉट लीजिए या तो लिखते हैं तो लिख लीजिए, क्या करना है सो देखते रहिए। और जो है अब जो है आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 27 नंबर का क्वेश्चन लगाते हैं, 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कहा गया वर्तमान के रॉन एमा से 8 वर्ष छोटा है, यदि एमा से 2 वर्ष छोटा है, यदि रॉन तथा हेरी की
वर्तमान आयु का अनुपात चार तीन और चार है तो हेरी की वर्तमान आयु क्या है? क्वेश्चन को सही से पढ़िए, उसके बाद सब हो जाएगा। क्या बोला गया है? रॉन बोला गया है, एमा है, एस लिख लेते हैं एमा, उसके बाद जो है हेरी है, एस से हेरी लिख लेते हैं। तो बोला कि हेरी तो आठ वर्ष क्या है, एमा से आठ वर्ष छोटा है, कौन? तो रॉन है, इसको एक्स, तो ये एक्स माइनस आठ। उसके बाद बोल गया हेरी दो, एमा से दो वर्ष छोटा है, एमा से दो वर्ष, एक्स माइनस दो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उसके बाद बोल गया रॉन तथा हेरी की वर्तमान आयु का अनुपात तीन है, तीन और चार है, रॉन तथा हेरी का कितना है? तो ये हो गया तीन और चार, ये तो कहा गया। तो उसके बाद पूछा गया हेरी की वर्तमान आयु क्या है, हेरी का वर्तमान आयु क्या है? सबसे पहले हम निकालते हैं हेरी का, तो यहां सबसे पहले दोनों का आर बटे एच का मान बैठा देते हैं, आर और एच का मान बैठा देंगे। आर कितना? एक्स माइनस आठ, और क्या एच कितना? एक्स माइनस दो। इसके बराबर कितना दिया गया है भाई साहब? तो ये दिया गया है थ्री बटे फोर, यही तो दिया गया है। अब यहां से आप कर सकते हैं, फोर एक्स में से थ्री एक्स जाएगा तो एक्स, ठीक है, ये जो है यहां से इसको गुणा करेंगे, इसको यहां से करेंगे, एक तो ये बॉर्डर के इस पार, ये वाला करेंगे तो बॉर्डर के उस पार, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको डायरेक्ट करेंगे, फोर एक्स में से थ्री एक्स जाएगा तो एक्स, तो आठ चौका बत्तीस और इसमें से छह जाएगा, बत्तीस में से छह जाएगा कितना बचेगा, बत्तीस में से छह जाएगा कितना बचेगा? अरे भाई बत्तीस में से छह जाएगा कितना बचेगा? तो छब्बीस बचेगा ना, इसको दीजिए छह और ये हो जाएगा दो, कितना लगेगा रहा है? तो छब्बीस, छब्बीस वर्ष तो आ रहा है। क्या ये इसका सही वर्ष है? किसका पूछा गया? हेरी का, हेरी का ये वर्ष निकल के आया, कितना तो देखेगा ऑप्शन है, छब्बीस नहीं है, क्वेश्चन में गलत हो ना, तो ना बनते हमसे, तो देखिए कैसे एक्स लगा कितना, छब्बीस का आई कितना है हीरा का, ई का, हेरी का, एक्स माइनस दो, एक्स के वैल्यू कितना है तो छब्बीस, और माइनस में कितना तो दो, कितना निकल के आ गया 24 आवर, 24 इयर्स निकल के आया या नहीं आया, आया या नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जो लोग नहीं लिया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।